हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिनमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक सहित अन्य पहलवान पिछले 25 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी मांग है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो और उनकी गिरफ्तारी की जाए। पिछले 25 दिनों से उनका धरना प्रदर्शन जारी है और यह प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। 25 दिन से यह धरना प्रदर्शन आगे 50 दिन में तब्दील होगा, 50 के बाद यह 100 दिन में तब्दील होगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय इतिहास में यह प्रदर्शन सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि पहलवानों ने यह कह दिया है कि आगे वह इसको जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से जंतर मंतर से यह पहलवान का धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान तक पहुँचेगा। आपको बता दें, बीते दिनों पहले जंतर मंतर से पालिका केंद्र होते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर तक पैदल मार्च किया गया। अब इस कड़ी में सवाल यह है कि क्या यह साइन बाग की ओर यह प्रदर्शन बढ़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के साउथ दिल्ली कालंदी कुंज रोड नंबर 13 पर साल 2019 में मुस्लिम बहुल्य इलाके साइन बाग में मुस्लिम समुदाय ने CANRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। 15 दिसंबर 2019 को वह प्रदर्शन शुरू हुआ था। हालांकि वह प्रदर्शन इसलिए बंद किया गया क्योंकि उस समय देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी और देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया था। ऐसे में उस प्रदर्शन को खत्म करना पड़ा था। लेकिन अब जो ये प्रदर्शन है वो 25 दिन कंप्लीट कर चुका है, आगे यह 50 दिन में तब्दील होगा, उसके बाद 100 दिन में तब्दील होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या साइन बाग की तर्ज पर या साइन बाग जिस तरीके से देश भर में एक आंदोलन के रूप में उभरा था, क्या यह पहलवानों का धरना प्रदर्शन भी उभरेगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि जो पहलवान जो मांग कर रहे हैं जिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, क्या वो मांग पूरी होगी, क्या जो पहलवानों की जो मांग है वो जो देश की सरकार है, मोदी सरकार है, क्या वो पूरी होगी। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या साइन बाग के बाद सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन देश के पहलवानों का होने जा रहा है। ETV भारत के लिए धीरज मिश्रा, दिल्ली।